आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है, ए सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट थर्मामीटर ऑफ स्केल सेम लेंथ 20 सेंटीमीटर आर टेकन। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड्स इन द गिवन टेम्परेचर स्केल रेस्पेक्टिवली। इफ टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, टेक LFV एंड UFV फॉर बोथ द थर्मोमीटर्स एज फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो और आंसर देखिए, हमें जो लेंथ दी गई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ फारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मोमीटर इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड देखिए वेन टेम्परेचर rises from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, then the length of mercury thread in Celsius scale of temperature. ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर आपके पास हो जाएगा, देखिए हाइट कितनी है आपके पास, 20 सेंटीमीटर इंटू, ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हो गया 4 / 100। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इन फारेनहाइट थर्मोमीटर 0 डिग्री इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, इन फारेनहाइट थर्मोमीटर 0 डिग्री सेल्सियस इज रिप्रेजेंटेड बाई, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाई 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, सो एंड द नंबर ऑफ डिवीजन इन द इट इज कितने होंगे आपके पास, नंबर ऑफ डिवीजन कितने होते हैं आपके पास, 180। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास देखिए आ जाएगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से आपके पास फारेनहाइट इज इक्वल टू आपके पास आ गया, फारेनहाइट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, सो एंड वेन टेम्परेचर इन इस सेल्सियस स्केल इज 4 डिग्री सेल्सियस, देन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इज फारेनहाइट स्केल इज। ठीक है, जब टेम्परेचर जो है वो जो आपका सेल्सियस स्केल जो है उसके अंदर 4 डिग्री होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो है वो फारेनहाइट स्केल में कितना होगा, एफ इजिकल टू आपका आ जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर अभी फाइंड किया ना, ये देखिए। ठीक है, सो यहाँ से डिग्री फारेनहाइट इजिकल टू क्या आ गया आपके पास, डिग्री फारेनहाइट इजिकल टू आपके पास आ जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, हम टेम्परेचर कितना है 4 डिग्री सेल्सियस, ये आप कम निकाल रहे हैं, वेन टेम्परेचर आपका कितना 4 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल। ठीक है, इंटू 4 प्लस 32, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया 196 / 5। ठीक है, सो ये आपके पास हो गया
39.2 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, सो यहाँ से राइज इन टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल कितना होगा आपके पास? ठीक है, सो राइज इन टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल आपके पास हो गया। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ द राइज इन टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल स्केल कितना होगा आपके पास? वो हो जाएगा आपके पास, देखिए ये कितना आया, 39.2 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, 39.2 डिग्री फॉरेनहाइट माइनस कितना था आपके ऊपर, जब डिग्री सेल्सियस में जीरो था तो आपके पास कितना था फॉरेनहाइट में? 32 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया 7.2 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, एंड देखिए जब वेन टेम्परेचर राइज, ठीक है, जब टेम्परेचर जो आपका आपका 32 डिग्री फॉरेनहाइट टू 39.2 डिग्री फॉरेनहाइट जब राइज हो रहा है, तब उसमें इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ मर्करी लेवल क्या होगा? ठीक है, वेन टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम 32 डिग्री फॉरेनहाइट टू 39.2 डिग्री फॉरेनहाइट, then increase in the length of mercury level कितना होगा आपके पास? वो आपके पास हो जाएगा, देखिए कितना है डिग्री, यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट स्केल कितना है? 7.2 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो आपके पास हो गया 7.2। ठीक है, इनटू हाइट कितनी है आपके पास? 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, 180, सो यहाँ पे आपके पास आ गया 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फाइंड करना रेशियो। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो। ठीक है, सो रेशियो किस किस की वजह फाइंड करना? लेंथ ऑफ मर्करी थ्रीड, ठीक है, इन सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, सो देन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रीड्स इन सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट टेम्परेचर स्केल इज कितना होगा आपके पास रेशियो? देखिए यह आपके पास 0.8 सेंटीमीटर और या फॉरेनहाइट, यहाँ पे आ गया आपका, रुकिए एक सेकंड, ये देखिए ये भी आपको कितना है सेल्सियस में भी 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो रेशियो कितना आ गया आपके पास? रेशियो आपके पास हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 0.8। ठीक है, दैट मीन्स 1:1। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 1:1। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।